इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा अब मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन मंत्री कुमार सरबजीत को कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जो पर्यटन विभाग देख रहे थे मंत्री, अब उनको कृषि मंत्रालय का जो प्रभार है वो दिया गया है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और मुख्यमंत्री के अनुशंसा के आलोक में पर्यटन मंत्री कुमार सरबजीत को कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसकी मंजूरी अब दे दी गई है। हालांकि सियासी हलकों में लगातार हलचलें भी देखने को मिली, कई तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई, लेकिन इन सब के बीच जानकारी की सरजीत अब जो यह कृषि विभाग है वो संभालेंगे। मरगुब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगुब, सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, साथ ही साथ सरजीत अब कृषि मंत्रालय देखेंगे, क्या अपडेट और आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आस्थान में लगभग 6 बजे महामहिम राज्यपाल को अनुशंसा भेजी थी कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, हम उनका इस्तीफा स्वीकार करें और कुमार सरजीत को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया जाए। मुख्यमंत्री की अनुशंसा को संवैधानिक तौर पर स्वीकार करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कुमार सरजीत को कृषि विभाग आवंटित कर दिया है और पर्यटन विभाग का जो जिम्मेदारी है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिया गया है। इसकी नोटिस का नोटिफिकेशन हो चुका है और इस तरह से अब सुधाकर सिंह राज कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे। कृषि मंत्री के तौर पर कह सकते हैं कि कुमार सरजीत की टास्क फोर्स हो गई है और जो कृषि मंत्री जो अभी तक पर्यटन मंत्री थे कुमार सरजीत, उनको फिलहाल कह सकते हैं कि कृषि उनका पद लेते हुए तेजस्वी यादव को प्रभार दे दिया गया है। इस तरीके से ये पूरे मामले का आज पटना क्षेत्र हो चुका है। चलिए, शुक्रिया मरगुप तमाम अपडेट के लिए। तो सरजीत अब कृषि मंत्रालय संभालेंगे। बिहार के कृषि मंत्री का इस्तीफा मंजूर किया गया है और सुधाकर सिंह अब कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे और जो पर्यटन विभाग है वो तेजस्वी यादव को दे दिया गया है।